आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जापानीज लैंग्वेज को सीख के हम किस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं अपने करियर को, और निहोंगोमैक्स में किस तरह से हम जापानीज लैंग्वेज को सिखाते हैं। पहले मैं अपनी टीम से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम है रवि, ये है गौरव सर जो कि एडवांस लेवल की ट्रेनिंग, और ये हैं पल्लवी मैम जो कि एडवांस और बेसिक लेवल दोनों की ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये है मिस्टर नवीन, हमारे बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप के मेंबर, और इनका नाम है महक मैम, ऐसे हेलो करो, थैंक यू। और ये है मिस्टर गोविंद, वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जापानीज लैंग्वेज सीखने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं, अनगिनत फायदे हो सकते हैं, लेकिन उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो मेनली चार कैटेगरीज में उनको हम बांट सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके जापानीज लैंग्वेज के फायदों, यानी कि जापानीज लैंग्वेज के सीखने के बेनिफिट्स को सीखते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और हमें यह भी पता चले कि एक ऐसा करियर जो कि काफ़ी सारे कन्वेंशनल करियर से इनोवेटिव करियर होता है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं और हमें उतना टाइम भी नहीं लगता इसको कवर करने में, जितना कन्वेंशनल कोर्सेज से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो आइए इन चार पॉइंट्स में आज हम सीखेंगे बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जापानीज लैंग्वेज। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहली बात हम बात करते हैं जापानीज लैंग्वेज सीखते ही क्यों हैं। ऑब्वियसली अगर हम करियर की बात कर रहे हैं तो अगर हमें जॉब करनी है जापानीज MNCs में या फिर जापानीज लोगों के साथ, जापानीज फॉरनर्स के साथ, तो एक अच्छी सैलरी जो कि काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब होती है MNCs के अंदर, एक अच्छी सैलरी, अगर मैं सैलरी का क्वांटम बोलूँ तो परमानेंट जॉब्स जो हैं वो मंथली सैलरी 70,000 80,000 तक भी जा सकती है। अगर आपका एडवांस लेवल है 1 लाख 1.25 लाख तक भी लोग कमाते हैं सिर्फ 3 या 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जो कि कन्वेंशनल कोर्सेज में कवर करना काफ़ी टफ होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, प्लस कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। और जॉब्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो जॉब्स में नेचर ऑफ जॉब भी काफ़ी अच्छा होता है, इसमें काफ़ी क्रिएटिविटी का काम होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा जापानीज लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं तो आपको इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन, इस तरह के प्रोफाइल्स मिलते हैं जिसमें आपको लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता है, चाहे वो स्पोकन फॉर्म में है या फिर रिटर्न फॉर्म में है। रिटर्न फॉर्म में तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, स्पोकन फॉर्म में तो उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। दोनों ही फॉर्म्स जो है काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं आपको, ताकि आपके जो लैंग्वेज एनहेंसमेंट है वो लगातार होती जाए। तो जॉब, जापानीज लैंग्वेज करके जॉब करना पैसे कमाने का भी एक अच्छा काफ़ी अच्छा करियर होता है, और साथ में अपनी लैंग्वेज को इन्हेंस करके, उसी लैंग्वेज को यूज़ करके अपनी सैलरी को इंक्रीमेंट करने का भी काफ़ी अच्छा चांस होता है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी क्रिएटिव दिमाग है। नहीं भी है तो भी अगर आपने जापानीज लैंग्वेज सीखी है तो उसको सीखने में ही जो आपने प्रोसेस में अपनी ब्रेन एबिलिटी को बढ़ाया है, वही एबिलिटी आपकी जॉब के अंदर काम आती है, और आप अपनी लैंग्वेज को और सैलरी को साथ साथ इसमें बहुत तेज़ी से इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है जापानीज लैंग्वेज को सीखने का। चलिए बात करते हैं फ़ायदा नंबर, यानी बेनिफिट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू जो कि होता है कि इस लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई भी एज बार, कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको इंग्लिश आती है, नहीं भी आती है, अगर आपकी उम्र 50 साल है या फिर 15 साल है, आप इस लैंग्वेज को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि JLPT आपने सुना होगा, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, इसकी भी क्वालिफिकेशन, मतलब इसकी भी एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं होती, आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन है या नहीं है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर नहीं हैं, आपकी एज कितनी भी है, आप फॉरनर, मतलब कोई सी भी कंट्री में रहते हैं, आप इस लेवल के टेस्ट को अचीव कर सकते हैं, इसको सीख के इसको एक ऐसा करियर बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि मेरे पास स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरी ग्रेजुएशन में काफ़ी गैप है, 12th और ग्रेजुएशन में काफ़ी गैप है, या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में काफ़ी गैप है, तो ये चीज़ें दूसरे कन्वेंशनल कोर्सेज में, जैसे अगर हम बात करें CA IAS, तो इनमें काफ़ी मैटर करती हैं अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो, या फिर अगर आपने जॉब करी है और 2 साल 3 साल के बाद आपने वो जॉब छोड़ के बीच में 2 साल का गैप करके फिर से आप अप्लाई करना चाहते हो किसी और जॉब में, तो आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन जापानीज लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, चाहे हम जॉब की बात करें चाहे हम स्टडी की बात करें, आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी बीच में रोक सकते हैं, और कभी भी इसको रिज्यूम कर सकते हैं उसी लेवल से जिस लेवल से आपने इसको छोड़ा था। जॉब्स का जो क्राइटेरिया होता है मेनली एबिलिटी होता है, इसमें जो इंटरव्यू होता है या फिर जो आपकी लैंग्वेज के JLPT प्रोफिशिएंसी लेवल का जो लेवल आपका क्लियर है वो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आपने उसको कब क्लियर किया है। तो ये था पॉइंट नंबर टू। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो कि पॉइंट नंबर वन के अंदर आती है, जॉब में आपको फॉरनर्स से मिलने का चांस, जो कि ऑब्वियसली आप जापानीज लोगों के साथ काम कर रहे हो तो जापानीज लोगों के साथ मिलने का चांस बहुत मिलेगा, जो कि आपको और भी बहुत कुछ सिखाता है, प्लस इसमें ट्रैवल करने का भी काफ़ी चांस होता है,
अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो इंडिया में ही अलग अलग जगहों पे आपको ट्रैवल करने को मिल सकता है, और आपने थोड़ा सा टाइम जैसे 6 महीना 1 साल उस जॉब को किया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जापान ट्रैवल करने का भी चांस मिल सकता है, जो कि फुली पेड होता है कंपनी की तरफ से। तो ये बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है जापानीज लैंग्वेज को सीख के अपना करियर बनाने का। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3, स्टडी इन जापान। अगर आप जापान जाके स्टडी करते हैं, जैसे आपने अगर जापानीज लैंग्वेज थोड़ी सी इंडिया में सीखी है और अब आप जापान जाके स्टडी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही बेसिक लेवल की ज़रूरत होती है। बेसिक लेवल अगर सिर्फ N5 N4 तक की आपको नॉलेज है तो सिर्फ उसी नॉलेज से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जापान में जाके स्टडी करने का क्या फ़ायदा है कि स्टार्टिंग में तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, काफ़ी सारे फंड्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है नो डाउट, लेकिन उन सारे फंड्स को आप रिकवर कर सकते हैं। उन सारे फंड्स को आप रिकवर ही नहीं बल्कि आप थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते हैं जापान में स्टडी और जॉब का बैलेंस बना के चलते हैं, जो कि मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया। तो एक बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है। स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता है क्योंकि थोड़ा सा उनको टेक्निकल मतलब बैलेंस बनाना फाइनेंसिस का ये सब चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो इसकी अगर अच्छी तरह से स्टडी करके स्टडी इन जापान के प्रोग्राम को फॉलो किया जाए तो ये आपके करियर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है, जो कि कन्वेंशनल करियर से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है जापान में पढ़ के या फिर जापान में जॉब करके, वो आपकी लैंग्वेज लेवल ही नहीं, आपके क्रॉस कंट्री कल्चर को या क्रॉस कंट्री नॉलेज को, इनफैक्ट इंटरनेशनल नॉलेज को भी इतना ज़्यादा इन्हेंस कर देता है कि कंपनी के इंटरव्यूज़ में इस चीज़ का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। कंपनी के इंटरव्यूज़ में जो जापान के एक्सपीरियंस करके आए हुए हैं सिर्फ 1 साल या फिर 1.5 साल या 2 साल, उनको बहुत ही अच्छी सैलरी स्टार्टिंग से ही मिलने का ट्रेंड अभी भी बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। और जो लैंग्वेज है जो लैंग्वेज के अंदर करियर्स हैं वो अब धीरे धीरे इसी तरह का शिफ्ट लेते जा रहे हैं, इसी तरह की ट्रेंडिंग चलती जा रही है कि आप अगर 1 साल की स्टडी करके चाहे तो आप जापान में जॉब करें, चाहे आप इंडिया में जॉब करें या फिर आप किसी दूसरी कंट्री में जॉब करें, US में करें, ऑस्ट्रेलिया में करें, जहाँ हर जगह जापानीज लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट एशियन कंट्रीज़ में भी, फिलीपींस, थाईलैंड, जकार्ता, इन सब में भी जापानीज लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपने स्टडी इन जापान किया तो आप अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर सकते हैं। इस तरह से जापान के गवर्नमेंट ने, जापान की यूनिवर्सिटीज़ ने प्लान्स बनाए हुए हैं इस तरह से कि स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल रहे कि वो जॉब से अपना पैसा भी रिकवर कर पाएँ। अब तो और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आ गए हैं जो कि पार्ट पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, पार्ट पेमेंट में आप फीस भी पे कर सकते हैं और साथ साथ जॉब करके अपना लिविंग एक्सपेंसेस और रिमेनिंग फीस को रिकवर कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों की गाइडेंस जो है वो जापानीज लोग ही देते हैं। ये भी एक तरह का बेनिफिट है जो कि फोर्थ बेनिफिट के अंदर आता है। चलिए तो फोर्थ बेनिफिट स्टार्ट करते हैं। ये है कि जापानीज लैंग्वेज सीखते समय जब आप इंटरेक्शन करते हैं जापानीज लोगों से तो वो काफ़ी कुछ आपको गाइड करते हैं। मान लीजिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं जापान में तो आपको हर जगह जाके अपना इनोवेशन नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है टेक्निकल लैंग्वेज में, करियर आप बनाना चाहते हैं आईटी में और आप सीख रहे हैं जापानीज लैंग्वेज, तो जापानीज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर अपने आप आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरह से आईटी फील्ड को या आईटी फील्ड की जो भी आपने स्टडी की हुई है, चाहे सिर्फ 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है, सिर्फ आपने जावा का फॉर एग्जांपल कोर्स किया हुआ है, पीएचपी का कोर्स किया हुआ है या सिर्फ 6 महीने का कोई डिप्लोमा किया हुआ है, 1 साल का कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो उस चीज़ को आप किस तरह से अभी तक के अपने जापानीज लैंग्वेज के लेवल से कंबाइन करके कौन सी जॉब ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ा और वेट करके अपने लैंग्वेज लेवल को इन्हेंस करके और अच्छी जॉब कैसे ले सकते हैं, बायलिंगुअल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, ये सब गाइडेंस जो है वो जापानीज यूनिवर्सिटीज़ ही देती हैं, जापानीज लोग ही देते हैं। मतलब कहने का कि अगर आप जापान में रहते हैं या जापानीज लैंग्वेज को सीखते हैं, जापानीज लोगों से इंट्रैक्शन करते हैं, तो सिर्फ आपको लैंग्वेज की इन्हेंसमेंट ही नहीं, आपको करियर्स बनाने का जो पाथ है वो भी वहीं से मिल जाता है। तो जापानीज लैंग्वेज सिर्फ एक पैसा कमाने का टूल नहीं है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को, जो बेसिक के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताता हूँ कि हमने अगर इसको जॉब पर्पज से स्टार्ट किया है कि मुझे सिर्फ एक जॉब चाहिए, चाहे 30,000 की 40,000 की जॉब मिल जाए तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, बाय चांस ही आप इस करियर में आ गए हैं, लेकिन आप इस करियर को और भी आगे लेके जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जापान में स्टडी करी है, नहीं भी करी, अगर आपने इंडिया में भी स्टडी करी तो आप जापान से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब 5-6 साल उनको बीत चुके हैं तो अब वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जापान से, जो कि काफ़ी एक ग्रेविटी रखने वाली मार्केट है। और जापान भी अपना सारा माल एक्सपोर्ट करना चाहता है अलग अलग कंट्रीज़ में, क्योंकि जैसे चाइना ने अपना माल एक्सपोर्ट किया हुआ है हर जगह कंट्रीज़ में, तो चाइना की इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, तो जापान की गिरती हुई इकोनॉमी को और अच्छा करने के लिए वहाँ पर लेबर फोर्स की भी ज़रूरत है, वर्कर्स की भी ज़रूरत है,
और जितने भी कमोडिटीज़ होती हैं उनको बाहर देशों में एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। इस तरह की छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलती हैं। अभी इनफैक्ट रिसेंटली ही मुझे पता चला कि खाली बड़ी बड़ी कंपनीज़ नहीं, छोटी कंपनीज़ जैसे कि सिर्फ जिसमें 15 या 20 लोग ही हैं, उस कंपनी वो कंपनीज़ भी इंडिया से एक पर्सन चाहती है, एक US से पर्सन चाहती है, एक ऑस्ट्रेलिया से। इस तरह से क्रॉस कंट्री कल्चर वो अपनी कंपनी में डालना चाहते हैं ताकि लैंग्वेज बैरियर्स ख़त्म हो पाएँ और वो बाहर के देशों से बिज़नेस कर पाएँ, चाहे वो एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो, इम्पोर्ट का बिज़नेस हो या फिर IT का बिज़नेस हो। तो इन सब अपॉर्चुनिटीज़ की राइजिंग डिमांड, मतलब राइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से डिमांड जो है उसमें ग्रेविटी क्रिएट होती जा रही है। तो इस टाइम को अगर आप एंकैश कर सकते हैं, आपको सिर्फ 1 साल 1.5 साल 2 साल या 2.5 साल लगेंगे पूरी तरह से लैंग्वेज को कवर करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी एंड योर एफर्ट्स। तो ये सब था अबाउट बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जापनीज़ में। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट फटाफट से बताना चाहता हूँ, Nihongomax में हम किस तरह से पढ़ाते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही वीडियो में जिक्र किया था JLPT का, जापनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपने कहीं से भी जापनीज़ लैंग्वेज सीखी है, चाहे खुद से भी जापनीज़ लैंग्वेज सीखी है, तो आपका अगर JLPT क्लियर नहीं है तो आपको वीज़ा के लिए, जॉब के लिए सबसे पहले JLPT लेवल आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद ही फिर आप कह सकते हैं, ऑथेंटिकेट हो सकते हैं आप, कि आपने जापनीज़ लैंग्वेज कहीं से सीखी है। अगर आप किसी को कहते हैं मैंने जापनीज़ लैंग्वेज सीखी है, तो वो कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से सीखी है, कौन से इंस्टीट्यूट से सीखी है। वो पूछेगा कि आपका JLPT लेवल कौन सा क्लियर है, N5, N4, N3, N2, N1 कौन सा लेवल क्लियर है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में Nihongomax में हम JLPT ओरिएंटेड स्टडी को ही इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि पहले दिन से आपको पता चल जाए कि N5, N4, N3 किस तरह से क्लियर किया जाता है। अगर मैं जापनीज़ लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं तो अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, मैंने 1 साल लगाया, लेकिन अब मुझे 1 साल बाद पता चला कि JLPT भी होता है, तो मैं उसके हिसाब से पढ़ता हूँ, तो फिर 6 महीने और लगेंगे। तो ऐसा ना हो आपके साथ पहले ही दिन से पता चल जाए कि मुझे पढ़ाई भी करनी है और उसी डायरेक्शन में करनी है जो कि JLPT को क्लियर करते हुए जा रही है। ये है हमारे इंस्टीट्यूट Nihongomax की स्पेशलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।